イスクリームに使わせてさせやがん消しクラブル Welcome to my blog मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि थोड़ा घर के कामों में थोड़ा बिजी थी। चलिए लेट सी यह सामान लेकर आती हूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ क्या मैं क्या बना रही हूँ। कैसी हूँ आप? वेलकम टू माय देख सकते गाइस मॉनसून टैक्स लगा हमारे सोसाइटी में। तो यहाँ पे कुछ छोटे होते हैं प्रोग्राम हो रहे हैं जहाँ पे बच्चे आके डांस वगैरह कर रहे हैं और यहाँ पे देखो सेल्फी हो रहे और यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है कुर्ती बेडशीट वगैरह का और यहाँ पे कुछ टॉयज का स्टॉल लगा हुआ है जो काफ़ी भीड़ है। तो मैं से दिखा पा रही हूँ और यहाँ पे सूर्यास्त का भी था और आगे यहाँ पे OTP एक सब्जी का ऐप है उसका। फिर यहाँ से हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे बच्चों के लिए झूले लगे हैं मिक्की माउस ट्रेन जंपिंग वाला। तो यहाँ पे सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं ऊपर जंपिंग वाला। तो बच्चे तो करते हैं जो जाते हैं ऊपर जाके छुप जाते हैं इंजॉय करते रहते हैं अपना टर्न हो जाता है सो जाते ज़्यादातर यहाँ पे जंपिंग करते हैं। और जैसे हम लोग कभी मेले वेले में जाते थे तो गुब्बारा वाला नहीं लगता था बंदूक और निशाना लगाता वो भी है कि वो रिंग ब्राइट रहता है कि फेंकते हैं जो सामान में आता है वो आपका हो जाता है उस तरह का लगा हुआ। और ये भी देख सकते हैं हमारी सोसाइटी का झूला है और यहाँ पर भी कुछ बच्चे लोग इंजॉय कर रहे खेल रहे। तो देख सकते हैं छोटा सा मेला कैसा लग रहा है आप लोग बच्चों को भी है। तो मॉनसून पे यहाँ पे कपड़ों का स्टॉल तो लगता है तो बच्चे क्या करेंगे बड़ों के कपड़ों तो बच्चों का तो नहीं लगता है। तो बच्चे यहाँ पे इंजॉय करते तो यहाँ पे देखे कुछ स्टॉल में किड्स का टॉयज यहाँ पे कुर्सी प्लाजो कुर्सी वगैरह यहाँ कुछ छोटी मोटी ज्वेलरीज वगैरह यहाँ डेकोर आइटम मिल रहे हैं। फिर यहाँ से हम आगे जाते हैं यहाँ पे भेलपूरी कॉर्न पिज्ज़ा बर्गर बन रहा है जिसमें भी काफ़ी रश है मैं भी क्लियर नहीं ले पा रही हूँ। और यहाँ पे टिक्की चाट मिला था फिर यहाँ पे चिकन जी फिर यहाँ पे आपका मिला था मोमो जूसा जैन कुल्फी वाला। फिर यहाँ से हम आगे आ जाते बाहर निकल के सोसाइटी के बाहर तो यहाँ पे मार्केट में देख रहे कितना रश है शाम के समय। तो यहाँ पे मोमोस वगैरह ग्रॉसरीज सिंगार आइटम किचन आइटम होम डेकोरेशन सामान वगैरह मेंस का जीन्स वगैरह सब अवेलेबल है। यहाँ पे पर्स बच्चों का वो यहाँ पे गोलगप्पा है आगे वहाँ पर भी भीड़ लगा हुआ है। और फिर यहाँ पे कपड़े वगैरह सब शॉर्ट्स वगैरह फिर यहाँ से सुपरमार्केट के और हमारे तो यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी टिक्की लिट्टी टिक्की चाट सब वगैरह मिल रहा है। आगे फिर जाते तो यहाँ पे बच्चों का कपड़ा मिल रहा है और यहाँ पे स्क्रीन गार्ड बैक कवर का भी शॉप है मोबाइल का। और फिर यहाँ से आगे में भी डोसा पाव भाजी बर्गर रोल यहीं सब मिल रहा है। तो यहाँ से हमें कुछ सामान लेना था तो हम सीधा आगे मार्केट से भर मार्केट से होते हुए जाएंगे और फिर जो सामान हमें चाहिए वो ले लेंगे सुपरमार्केट में। फिर यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं फिर आगे से बढ़ के हम इधर मुड़ जाते हैं। हमें यहाँ कोई काम नहीं है तो फिर इसके बाद हम आपको दिखाएंगे पनीर मुर्गी बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने
250 ग्राम पनीर को ग्राइंड कद्दूकस कर लिया है, और एक टमाटर काट लिया है, दो मीडियम साइज के प्याज और हरी मिर्च, और ये मेरा ऑयल गरम हो रहा है। चलिए अब इसे डालते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें प्याज और मिर्चा डालूंगी और इसे 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम में कुक करना है। चलिए इसे कुक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं मेरा प्याज कुक हो गया है। तो प्याज मेरा ऑलमोस्ट कुक हो गया है, ओवर कुक ना करे। देन इसमें मैं टमाटर डालूंगी। टमाटर डाल दिया है, उसी के साथ मैं मसाला डालूंगी। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी, नमक 2 चम्मच था करीब, और धनिया पाउडर और थोड़ा सा किचन किंग डाल के फिर कुक कर लेंगे। बस ज़्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट तक फिर कुक करें। देख सकते हो मेरा प्याज टमाटर अच्छे से कुक हो गया है, मसाले भी अच्छे से मिल गए हैं। तब इसमें दान आती है पनीर डालने के बारे। तो इसमें मैं पनीर डाल देती हूँ, डाल दिया मैंने, और दान इसे 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे। देख सकते हैं मेरा पनीर हो चुका है। तो उसमें मैं बटर के कप डाल रही हूँ, और गैस बंद कर देंगे और बटर अपने इसमें मेल्ट हो जाएगा, खाने में काफ़ी टेस्ट लगेगा। गाइस ये मेरी दाल मखानी है जो दोपहर में मैंने बनाया था, बट क्लिप लेना भूल गई थी, जो बच गया था हम लोग वेस्ट नहीं करते, खा लेते। और ये मैंने बनाया शानदार सा पनीर भुर्जी। और ये शख्स कौन है जो बैठे हुए है? ये है मिर्चा वाला शख्स। चलिए अब रवि जी खा के बताएंगे कि कैसा बना है पनीर की भुर्जी विथ दाल। और गाइस आप लोग कैसे हैं? बारिश का मजा लेते हुए, पनीर का खाते हुए, दाल में डुबो के कैसा बना? काफी लजीज और स्वादिष्ट है खाने का, आप मैं क्या बोलूं, खाना इतना अच्छी है, इतना लजीज है कि खाते खाते आप कहीं खो जाएंगे, मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। और कुछ कहना चाहेंगे? और खाना चाहेंगे? बाकी सब ठीक है गाइस, सब चल रहा है, आप लोग भी ठीक से रहिए, खुश रहिए। ये देखिए, और ये है रवि जी। चलिए अब हम लोग डिनर कर लेते फिर आपसे मिलेंगे। गाइस मैंने घर के लिए कुछ सामान खरीदा, ये मैगी, ये बिस्किट, बन हाइड एंड सीक, जैम जैम, क्रीम रोल, कस्तूरी मेथी, और ये ट्रिस्मी का कैरेटिन शैम्पू, और ये 6 में बॉयल का सेट लिया है स्नैक्स वगैरह के लिए, और ये भी बॉयल का सेट लिया है पोहा उपमा मैगी खाने के लिए जो 3 का सेट है, और ये मैंने बटर केसर कुकीज लिया, और ये मैगी लिया है जो कि मैं शाम में मार्केट गई थी सुपरमार्केट तो वहाँ से लिया है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर्स लगे थे, ये बटर कुकीज में भी ऑफर्स लगे थे, ये बॉयल का सेट ओनली 100 रुपीज़ में 6 पीस, और ये भी 100 रुपीज़ में 6 पीस। शैम्पू में भी ऑफर लगे हुए थे तो मैंने सब ले लिया। तो आप भी सेक्टर 75 स्पार मार्ट से अपने घर का छोटा मोटा सामान ले सकते हो, जैसे ग्रॉसरी हो गया, किचन आइटम्स हो गया, बहुत सारे किचन आइटम्स की वैरायटी भर भर की है, और ग्रॉसरी भी है, बहुत कुछ वहाँ पे मिलता है, क्लॉथ्स वगैरह भी, डोर मैट, बेड शीट वगैरह सब अच्छे अच्छे ऑफर लगे हुए हैं। तो मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड
कमेंट करें। आप लोग एक बात और, आप लोग ब्लॉग देखते हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो पहले लाइक कर दो, फिर वीडियो देखो, फिर सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही हम अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। बाय बाय।